ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 9 के अंदर इस वक्त हम हैं। यहाँ पर एक ज्वेलरी का स्टॉल है जो कि ईरान से आए हुए लोग हैं। चलिए मिलवाते हैं इनसे और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। योर नेम? हेलो, आई एम मीना सादत फ्राम अफगानिस्तान, बट इंडियन के साथ काम करती हूँ यहाँ पे। किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लाएंगे? हमारे पास स्टोन से, रियल स्टोन से, एंड सिल्वर है, आर्टिफिशियल एंड ज्वेलरीज भी हैं। बट कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम यहाँ पे 6-7 साल से हो रहे हैं, यहाँ पे आते जाते हैं। कैसा लगता है इंडिया में आकर? अच्छा लगता है। वेरी कुछ खास इस बार, कुछ खासियत, कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट्स हैं या रूटीन के प्रोडक्ट्स? नहीं, अलग से, मतलब यहाँ पे जो इनको सारा प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलता है। अगर भी मिलता है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। जो हमारे पास कस्टमर आते हैं तो अगले साल ज़रूर दोबारा हमारे पास आते हैं। तो यानी कि ईरान के जो आभूषण हैं, जो ईरान के जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए आप इस हॉल में, हॉल नंबर 9 प्रगति मैदान में आ सकते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है और इसके स्टॉल सज चुके हैं आज, जबकि पहला दिन है। जैसा कि पिछले साल भी पाकिस्तान से एग्जिबिटर्स नहीं आए थे और इस बार भी पाकिस्तान से एग्जिबिटर्स ने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स गिने चुने 1-2 आए हैं। ये जो उन लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है जो पाकिस्तानी कपड़ा खरीदने में अपनी रुचि रखते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ये स्टॉल और इसमें वो ये आपके पास जो उपलब्ध रेंज है जो कपड़े की, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक की रेंज? हमारे पास 2500 से लेके 20,000 तक की रेंज है। सब प्योर फैब्रिक्स में है, पाकिस्तानी कराची फैब्रिक्स। रेडीमेड्स भी हैं, अनस्टिच भी है, सेमी भी है, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ। कपड़े का नाम महेश्वरी सिल्क है मेरे पास, शिफॉन में है, जॉर्जेट में, प्योर के सूट्स हैं जो भी है सारे। तो मतलब ये है कि अगर आप इस तरह के कपड़ों में रुचि रखते हैं तो इंटरनेशनल स्टॉल्स जो कि हॉल नंबर 9 में लगा हुआ है, यहाँ पे आप आकर ये ख़रीदारी कर सकते हैं। सोने की तरह लगने वाली चीज़ें, ये जो महज 150 रुपये पर इंच और 400 रुपये पर इंच, अगर इनकी तुलना अगर हम करें असली सोने से तो ये कहीं ज़्यादा पायदार लग रही हैं। चलिए मिलते हैं इस स्टॉल के एग्जीबिटर से। सर आपका नाम? प्रकाश बिचानी। प्रकाश जी जरा बताएँगे अपने स्टॉल्स के बारे में। हाँ सर, ये इंच ऑफ गोल्ड है जिसकी हमारे पास मास्टर फ्रेंचाइजी है। यूएस का प्रोडक्ट है, अराउंड 40 इयर्स हो गए हैं मार्केट में। लाइफ टाइम गारंटी है, कलर नहीं जाता है। और इन केस अगर किसी के बॉडी में कुछ स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा है और अगर कलर जाता है देन इट्स फ्री रिप्लेसमेंट एंड ही कैन रिप्लेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड। दे हैव अराउंड 900 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। अगर कहीं ना कहीं कहें तो कि ये सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। बिल्कुल सर, सोने से कम नहीं है। चार्जेस मेकिंग से 1/3 है। आप अगर कुछ गोल्ड लेते भी हैं तो जो मेकिंग देते हैं 10%, ये उसका भी 30% कॉस्ट पे है। इट मींस मेकिंग से भी लेस प्राइजेस में है और आप कम से कम 90% सेव कर सकते हैं गोल्ड की कॉस्ट। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इस तरह का अगर आप आभूषण लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप दुर्घटना से भी बच सकते हैं और अपने आर्थिक नुकसान से भी निजात पा सकते हैं। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 9 में हरि दर्शन धूप के एक स्टॉल में हुए हैं। यहाँ पर हमें कुछ अलग तरह का आभास इस बार हो रहा है। हर चीज़ नीली है और हर तरफ नीला ही आवरण। जब बात की गई यहाँ के आयोजकों से तो उन्होंने बताया कि इस वक्त इस बार का उनका थीम है लॉर्ड शिवा, शिव जी भगवान का थीम लेकर ये चल रहे हैं और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में चलिए मिलते हैं यहाँ के आयोजक। आपका नाम? श्वेता। श्वेता जी, आप बताएंगे ज़रा कि इस बार का स्टॉल किस तरह से अलग है? इस बार हमारा स्टॉल शिवजी के ऊपर आधारित है और शिवजी का कलर है ब्लू, तो उसी थीम पे हमने सब कुछ डिज़ाइन किया है। यहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं जिसमें धूप और अगरबत्ती के मिक्सचर्स हैं। हर प्राइस ब्रैकेट में हमने कस्टमर्स के कस्टमाइजेशन करके उस पर बनाया। अच्छी लग रही है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल नंबर 11 के अंदर इस वक्त हम हैं। यहाँ पे मेटल क्राफ्ट की काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही है, तो अलग है, यूनिक है। चलिए बात करते हैं यहाँ के एग्जीबिटर से। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम तरुण कुमार है। तो ये अपने स्टॉल्स के बारे में, अपनी जो ये हमारी मेटल क्राफ्ट की प्रोडक्ट है, पूरी सारी हैंड क्राफ्टेड है, सब हाथ से बनती है। उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है, हैंड पेंटेड होते हैं और काफ़ी हम रिसाइकल प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मेटल होता है उससे भी अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लगभग लागत क्या, मतलब इसकी क्या है, प्राइसिंग कितना है? प्राइसिंग रेंज हमारा 300 से प्रोडक्ट स्टार्ट होती है और 10,000 तक की प्रोडक्ट है हमारे पास में। उनतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल नंबर 11 के अंदर हमें आकर्षण का एक केंद्र लगा जब हमने यहाँ पर कुछ पौधे देखे। व्यापार मेले के अंदर इस तरह के वनस्पति बोनसाई पौधे देखकर यहाँ पर रुकने का मन हुआ। चलिए बात करते हैं यहाँ की एग्जीबिटर से। आपका नाम? अंकिता चौधरी। तो अंकिता जी, आपका जो स्टॉल्स के बारे में बताएंगे, कुछ अलग तरीके से लग रहा है। जी, आजकल दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ गया है, तो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं जिनसे घर की खूबसूरती के साथ साथ हमारी सेहत पे भी बहुत असर आता है। तो हम सेहत के साथ साथ खूबसूरती प्रमोट कर रहे हैं कि अपने घर पौधे ले जाइए, घर को खूबसूरत और अपनी सेहत बनाइए। कौन सा पौधा आप रिकमेंड करेंगे मेनली जो घरों में लगाने के लिए? जी, ये स्नेक प्लांट कहलाता है। इसको ऑक्सीजन बॉम्ब भी कहते हैं। ये दिन में और ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। क्या इसकी लागत, इसकी कीमत क्या है? ये 650 रुपीज़ का है विद पॉट। इसमें एक स्पाइडर, एक स्नेक आता है। स्नेक नहीं, स्पाइडर नहीं है मेरे पास। पीस लिली है, ये भी नासा से अप्रूव्ड एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। फिर हमारे पास जीजी प्लांट है, ये सब नासा से अप्रूव्ड एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं। तो ये इसकी जो है, आप जो इनको प्लांटेशन करते हैं, जो उगाते हैं जी, ये आप अपने पास करते हैं या कहीं बाहर से लेके परचेज? नहीं, हम इनकी सीडलिंग्स लेके अपने पास इन्हें उगाते हैं। ये हमारे पास बड़े होते हैं, फिर हम उनको सेरेमिक पॉट्स में लगाते हैं अपने हिसाब से और फिर आगे सेलिंग के लिए तैयार करते हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात कही जा सकती है कि व्यापार मेले के अंदर अगर आप आते हैं तो इस 11 नंबर हॉल के अंदर इन आई स्टॉल ये है। यहाँ पे आपको बोनसाई पौधे और कुछ पौधे जो घरों में हम आ सकते हैं। Infrastructure development in Delhi has always been the focus of success. 18.41 million people. It has grown at an unprecedented rate with a digital growth percentage of 21% and an urbanization rate of 98%. Infrastructure development in Delhi has always been the focus of success.